Hello students, welcome to school. Today we are in class 10 of the mathematics, chapter number 4 starting. Chapter number 4 will continue करने जा रहे हैं. तो सब हम ऑक्सपाइड करते हैं. तो अभी हम अपने पढ़ते हैं सॉल्यूशन. ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन करने जा रहे हैं by completing the square. Completing the square करने के बाद ये ऐसे कोई घंटा होती है. इसको हम square बनाकर सॉल्व करना है. मतलब देखिए आपको पता होगा ये फॉर्मूला है जिसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कौन सा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज करने वाला डायरेक्ट फैक्टर का करने में तो डायरेक्ट फैक्टर का हो जाता है जस्ट डिवाइड करके हम इसे यहां से निकाल लेते हैं तो ये फॉर्मूला को आपको प्रूव करना है इसी को बना बना के फॉर्मूला माने हम लोग बार बार क्वेश्चन बन फॉर्मूला जो क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे तरीके से फॉर्मूला बना के सॉल्व करना है तो हम उसको कैसे करेंगे सॉल्व देख लीजिए आपका जो क्वेश्चन होगा वो कैसा फॉर्मूला होगा उससे पहले आपको जो एक्स की वैल्यू टर्म है उसको आपको डिवाइड करनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए प्लस एक्स प्लस सी प्लस सी बाय ए प्लस सी फिर देखिए इस क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के लिए आपको आपसे कंप्लीट स्क्वायर में निकालना है क्या करते हो आपको इस कंप्लीट स्क्वायर बनाना है स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए काफी सारे टर्म चाहिए मतलब आपको ये क्रिएट करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्रिएट करना है यहाँ पर और वो भी एक्स के साथ प्लेट करना है तो आप कैसे करेंगे देखिए ये हमारा क्वेश्चन है इसमें अपन एक्स और वाई का स्क्वायर टू एल का स्क्वायर टू एल का स्क्वायर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का मतलब क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी ये फॉर्मूला होता है तो अपन यहां पर एक्स स्क्वायर एक तो एक्स टर्म एक तो एक्स टर्म प्लस दूसरी टर्म क्रिएट होगी इससे ये जो फॉर्मूला है ना इसको मैं कहूंगा दिस इज 2pq इसको मैं कहूंगा 2pq तो 2pq का सूत्र क्या हो गया b a का x वहां पर मैंने p की वैल्यू वेरिएबल में डिसाइड कर दी p की वैल्यू x के इक्वल है तो p की वैल्यू x के इक्वल है 2x क्यूब इज इक्वल टू b बाय a x x से x कटा q इज इक्वल टू बी बाय टू ए तो अपना बी इक्वल टू क्या है बी अपना क्या निकला क्यू निकल चुका है क्यों निकल चुका है बी बाय टू ए तो इट इज बी बाय टू ए ये हमको बनाना है तो दिस इज बी बाय दिस इज एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू बी बाय 2a अपनी क्यू की वैल्यू आ चुकी है अब क्यू स्क्वायर चाहिए तो कोई क्यू स्क्वायर यहां पर हमको ऐड करना पड़ेगा क्यू स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा मतलब बी बाय टू ए का होल स्क्वायर मतलब बी बाय टू ए का होल स्क्वायर ऐड कर और माइनस भी कर दिया जिससे कि ओवरऑल जो रहा इक्वेशन ऑफ इंजेक्शन रहा इक्वेशन ऐसे कैसे लिखी हुई है बस मैं कह रहा बी बाय टू ए जो हमने क्यू के लिए लिखी उसको उसका स्क्वायर ऐड किया उसका स्क्वायर माइनस कर दिया जिससे कट गया अपन जीरो ही होता है कोई दिक्कत नहीं है प्लस बी बाय ए जब हम क्वेश्चन की गिवन है इज इक्वल टू जीरो अब इस इग्नोर टर्म को इग्नोर टर्म को मैं इस पर ले आऊंगा और इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमारा है ये अपना है ये हम बना x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस बी बाय ए इसकी वैल्यू ये होती है और देखिए यहां पर जो है ये कुछ यही क्रिएट कर रहा है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाय ए का होल स्क्वायर बी बाय टू ए का होल स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाय अपना हो गया अब इसको आगे सॉल्व करना है वन स्क्वायर कंप्लीट कर रहा है इसको स्क्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स की जो वैल्यू है वो सीधा आ जाए बाकी सारी वैल्यू डबल चले
क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 5/2x माइनस 5/2x x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. इसको हमको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ द सॉल्व करना है. तो अपन को क्या करना है, अभी तो ये a है, इसमें वैल्यू है, इसमें डिवाइड करना है, मतलब इस क्वेश्चन में से निकल जाना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. समझ लो क्या आएगा, x स्क्वायर टर्म से बेटर है तो डिवाइड इक्वेशन बाय 2. सो दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. फिर अब देखिए यहां पर x मिल गया है, दिस इज 2a. अब हम फार्मूला क्या है, a plus b का होल स्क्वायर which is equal to a square plus b square plus 2a. तो a की वैल्यू को हम a को स्क्वायर कर रहा हूं और 2a की जगह पर 2a की जगह पर हमने कितना माइनस 5/2 है, क्या बोला माइनस 5/2 है माइनस 5/2 x. a की जगह पर x है तो उत्तर बदल के 2x plus 3/2
ये जीरो ही है और इसको लिखना है कितना एनी बराबर एक ही बात है क्योंकि यही कुछ मिल जाती है ये किसी का चल रहा है। अब इसे सॉल्व करना है तो देखिए अब तो बी एच कर लेते हैं -5/2 x + इसको 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 दिस इज -5/4 का होल स्क्वायर इस पर एक आपको इस पर भी लिख लेंगे और इस पर एक आपको इस पर भी लिख लेंगे ठीक हो जाएगा -5/4 का होल स्क्वायर -3/2 क्यों ना सॉल्व अब इसके बाद हमको ये देखिए इस टर्म को हम देख रहे हैं इस टर्म से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम तो देखिए ए की वैल्यू है सर बी की वैल्यू -5/4 है तो एस एस -5/4 इधर पुट करता हूं एक्स -5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर -5/4 का होल स्क्वायर -2 इंटू 5 प्लस -5/4 तो ये प्लस है दिस इज -5/4 दिस इज -5/4 इंटू एक्स इसको सॉल्व देखिए कि कुछ ये जो बन रहा है वो बन रहा है कि यही वैल्यू है तो फिर लिखता हूं एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इससे सॉल्व करने के लिए 25/4 -3/2 एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर स्कोर ऑफ करेंगे ये हो जाएगा 25 -6/4 और सॉल्व करेंगे 25 -6 कितना होगा 19/4
तो आपको जो है जो स्क्वायर करना रहेगा तो ध्यान नहीं कर सकते सारे का स्क्वायर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है अपनी, जिससे क्वेश्चन अगर लेंथ हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के, जिससे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपकी जो एक्सरसाइज है में फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो है ये पूरे पूरा सॉल्व